कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे कृषि बाजार में चीनी के बारे में जानेंगे, शुगर में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, क्या कीमतें देखी जा रही हैं, चीनी मिलों में आज किस तरह को उतार चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में रह सकता है, विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चीनी की कीमतों में स्थिरता ही देखी जा रही है, चीनी के बाजार में बहुत ज्यादा कारोबार इस वक्त नहीं हो रहा है। हालांकि शादियों का सीजन चल रहा है बाजारों में, इसकी वजह से मांग बनी हुई है, डिमांड अच्छी बनी हुई है, लेकिन बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार नहीं देखा गया है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो चीनी के बाजार में जो रेट चल रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बलरामपुर ग्रुप में जो आज आप चीनी का रेट देखकर चल सकते हैं वो मीडियम लेवल में 3590 है। अकबरपुर ग्रुप में मीडियम लेवल का रेट 3530 रुपए देखा जा रहा है। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। देखा जा रहा है रोजागांव में चीनी में मीडियम लेवल की 3615 है, और मध्य प्रदेश में रामदेव मिल में चीनी में मीडियम लेवल का रेट 3415 है, स्मॉल लेवल की 3345 चल रही है। नर्मदा मिल में चीनी के मीडियम लेवल का रेट 3450 है, स्मॉल लेवल की 3380 है। कर्नाटक में नंजनगढ़ में चीनी के मीडियम लेवल की 3400 है, स्मॉल लेवल का रेट 3350 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। कीमतें स्थिर हैं लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद नहीं है, और क्योंकि आने वाले समय में बाजारों में डिमांड अच्छी बनी रह सकती है चीनी में, शादियों के सीजन की वजह से, और आने वाले समय में होली वगैरह के त्यौहार भी आने वाले हैं अगले महीने, तो त्यौहार को देखते हुए और शादियों को देखते हुए अगर मांग अच्छी बनी रहती है तो आपको बाजारों में इसकी कीमतों में यहाँ से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान फिलहाल के लिए नहीं है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।